हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ एक बिंदु एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक कक्षा 10 तिथि 12 अक्टूबर 2020, ठीक है। इसी के बारे में, स्पर्श रेखाओं के बारे में, और जो पहले पढ़े थे वर्कशीट में उससे आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक दिया हुआ है कि याद कीजिए और बताइए, जो पहले हमने पढ़ा हुआ है ना उसी के बारे में रिवाइज करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। एक वृत्त की दो बिंदु पर स्पर्श छूती रह कर स्पर्श करती है। देखो बच्चों, हमने पढ़ा था ना, मान लो एक सर्कल है और इस सर्कल से ऐसे एक हो, इसको क्या कहते हैं जो टच करती है दो बिंदु को, इसको हम जीवा कहते हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका इसको हम लिख देंगे यहाँ पे जीवा, ठीक है, जीवा लिख दोगे आप। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, समझते हैं। एक सर्कल है और ऐसे प्रतिच्छेद करती है, इसको हमने क्या बोला था, छेदक रेखा। तो लिख दें यहाँ पर छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है, इसका छेदक रेखा हो जाएगा दूसरे का, ठीक है। एक वृत्त की दो बिंदु पर क्या प्रक्षेप करती है, छेदक रेखा, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु को प्रतिष्ठित करती है। देखो ये भी बहुत ईजी है, ये मान लो कि वृत्त है और ये एक किस कितने पॉइंट पे है, स्पर्श का कितने पॉइंट बनाते हैं, एक ही बिंदु, एक बिंदु पर प्रतिष्ठित होती थी। आप क्या लिखे, क्या लिखोगे आप, एक, यहाँ पर लिखोगे एक बिंदु पे, ठीक है। अब चौनिष्ठ क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के अभिनिष्ट बिंदु को कहते हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के अभिनिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखो अभी बताया ये वृत्त है और ये यहाँ पे है स्पर्श रेखा है, यही बिंदु है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। जैसे अब उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, ऐसे को लिख देंगे यहाँ पे स्पर्श बिंदु, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे आप स्पर्श बिंदु, ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलो अब चलो आगे देखते हैं हम क्या पढ़ना है हमें। अब ये क्रियाकलाप करने के लिए बोल रहा है आपको। देखो इसमें क्या है कि एक कागज एक वृत्त खींची, एक बिंदु उसके अंदर लीजिए, ठीक है। हम देखो बच्चों ये क्या कह रहा है कि एक मान लो कि ऐसे वृत्त खींच लेते हैं, ये वृत्त खींचे हुआ है ना, इसके अंदर एक पॉइंट लेते हैं, तो उस सब कितने टेंजेंट स्पर्श का कितने खींच पाओगे बताओ, एक भी नहीं, क्योंकि स्पर्श का तो बाहर वाला पॉइंट खींचते हैं ना, ये तो अंदर एक पॉइंट है। तो कह रहा है कि आप इस बिंदु कितना रेखा खींच सकते हो, तो क्या परिणाम है, यह संभव ही नहीं है वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके, ये संभव ही नहीं है। अगर कोई भी वृत्त के अंदर पॉइंट कहीं भी है तो हम एक स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा बाहर वृत्त पे हो तब हम ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, ये कोई स्पर्श रेखा नहीं होगा, ठीक है, हो समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा ये पॉइंट दिया हुआ है कि वृत्त पर एक बिंदु पी लीजिए, वृत्त पर देखो बिंदु पे ले लिए हम, ले लिए ना पी वृत्त पे, ठीक है। अच्छा वृत्त पे इस बिंदु पर एक और के ओरस कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हो, क्या आपको परिणाम मिले, एक बिंदु लोग वृत्त पर कितना, एक ही खींच सकते हैं, तो क्या परिणाम मिला, वृत्त के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा यहाँ पर चल पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड स्थिति थर्ड देखते हैं क्या है, इसमें दिया हुआ स्थिति थर्ड में कि वृत्त के बाहर एक बिंदु पी लीजिए, वृत्त पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए। आप कैसे बिंदु क्यू आर को व्यक्त करते हैं, देखो बच्चों अगर बाहर वृत्त के बाहर मान लो कि पी पॉइंट से एक स्पर्श खींच रहे हैं तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, देखो तो इससे हम दो खींच सकते हैं, ये देख रहे हो ये दो खींचे हैं ना, ये दो खींच सकते हैं, और क्या है क्यू और आर पॉइंट कुछ भी एक पॉइंट पर दो पॉइंट पर ये खींचाएगा, ठीक है। और इसका जो लेंथ होता है ना इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा का लंबाई बोलते हैं, पी क्यू और पी क्यू आर को हम स्पर्श रेखा का लंबाई बोलते हैं, ठीक है। और जो पी क्यू और पी आर जो लेंथ है ना लंबाई है ना ये दोनों इक्वल होता है, पी क्यू और पी आर का जो लंबाई है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। तो आप इस बिंदु से बिंदु पर दो और केवल दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं,
कितना खींचे बाहर वाले बिंदु से हम धोई खींचे ना ये, तो क्या बोल रहा है कि इससे हम केवल दो स्पर्श रेखा या क्यू और स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा। अब देखो ये क्या होगा, पी क्यू और पी आर को हम स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आप स्पर्श की लंबाई से क्या समझते हैं, इसको लंबाई के बारे में आप क्या समझते हैं, तो हम क्या समझते हैं इस फाइमिंग के बारे में कि अगर बाहर किसी भी पॉइंट से, बाहर किसी भी पॉइंट से अगर इस तरह का हम स्पर्श रेखा बनाते हैं तो उसका लंबाई जो है इक्वल होगा, मतलब कि पी क्यू और पी आर का जो लंबाई है ना वो इक्वल होगा, ठीक है, यही समझते हैं। तो देखो दिया हुआ है, क्या समझते हैं कि बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु पर खंड की लंबाई को बिंदु P से वृत्त के पर स्पर्श रेखा लंबाई कहते हैं पी क्यू और पी आर। देखो दिया है ना कि बाहर से जो बिंदु इसका लंबाई बराबर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसमें ध्यान दो कि बाहर पॉइंट, बाहर जो बिंदु है ना वहाँ से खींचेंगे तो दो आपको स्पर्श रेखा मिलेगा और ये दोनों स्पर्श रेखा होगा ना पी क्यू और पी आर, ये हमेशा बराबर होगा, उसका जो लंबाई होगा हमेशा बराबर होगा। ऐसे तो हम इस पर बहुत सारे पता है ना, ऐसे बहुत सारे हम खींच सकते हैं एक मतलब इस पे वृत्त पे स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा, लेकिन अगर बाहर पॉइंट से, अगर बाहर पॉइंट से अगर बोल रहा है कि एक पॉइंट से खींचना है तो दो ही खींचाएगा, ठीक है, बाहरी पॉइंट से जो खींचना होगा तो ये दो ही खींचाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब समझ गए हम, बाहरी पॉइंट से कितना खींच पाएंगे, दो ही खींच पाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बहुत ही ईजी है। देखो बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, क्या होती है, अभी बताए ना कि किसी बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखा की लंबाई है पी क्यू और पी आर क्या है, बताओ, अभी बताई थी ना क्या है, बराबर होती है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बराबर, ठीक है, फर्स्ट का हो जाएगा बराबर, मतलब कि बराबर होती है, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर केवल स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, वृत्त से बाहर, देखो अब बताओ कितना स्पर्श रेखा बनेगा, अभी बताई थी ना आपको कि बाहर स्थित है वृत्त के जिसे कितना रेखा बन जाएगा आपको, एक ये हुआ और एक ये हुआ, बताओ कितना बन रहा है, दो स्पर्श रेखा बनेगा। तो कह रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितना स्पर्श रेखा बनाओगे आप, तो यहाँ पर लिखा दोगे दो, ठीक है, कितना ईजी है ना। अब वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा क्या होगी, वृत्त के अंदर जो है स्पर्श रेखा नहीं है, नहीं होगा ना, वृत्त के अंदर किसी बिंदु से, वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है इसका स्पर्श रेखा बनेगा, नहीं बनेगा, तो बाहर आता है तब ना यहाँ पे बनता है, ऐसे बनता है तो बनेगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है, ठीक है, इस पे तो बनेगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, थैंक यू।